नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। भाई कुछ भी हो, महिलाएं अपनी खूबसूरती के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। फैशन के इस दौर में महिलाएं हमेशा सच संवर कर रहना पसंद करती हैं और उनकी सुंदरता में चार चांद लगा देती हैं कुछ चीजें। जैसे कुछ महिलाएं फैशन के तौर पर अपने नाखून बड़े रखना पसंद करती हैं, तो कुछ महिलाएं अपने बालों को लंबा करके अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। कहा जाता है कि लंबे बालों वाली महिलाएं ज्यादा आकर्षक होती हैं। आज हम आपको महिलाओं के बालों को लेकर एक रोचक खबर बताएंगे। आज हम आपको उस गांव की कहानी बताएंगे जो महिलाओं के बालों को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना रहता है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर क्यों? तो जनाब, उसके पीछे ये वजह है कि इस गांव की हर महिला के बाल बहुत लंबे हैं। जी हाँ, हर महिला के। चीन में है ये खास गांव। चीन जो कि अपनी तकनीक के लिए मशहूर है, ये खास गांव भी चीन में ही है। चीन के गुइलिन प्रांत में बसे इस गांव का नाम है हुआंगलुओ। यहाँ एक जनजाति रहती है जिसका नाम है याओ। इस जनजाति की महिलाएं पूरी दुनिया में अपने लंबे बालों के लिए जानी जाती हैं। बताया जाता है कि इस जनजाति की महिलाओं में लंबे बाल करने की सदियों पुरानी परंपरा है जिसे वो निभाती हैं। गिनीज बुक में दर्ज है गांव का नाम। महिलाओं की इस खास प्रथा की वजह से इस गांव का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी वजह से इस गांव को दुनिया का सबसे लंबे बालों वाली महिलाओं का गांव कहा जाता है। ये है इस गांव की प्रथा। दरअसल इस गांव की इस प्रथा को लेकर खूब चर्चा होती है। बताया जाता है कि याओ समाज की महिलाएं अपने पूरे जीवन में केवल एक बार ही अपने बाल कटवाती हैं और वो भी शादी से पहले। इस खबर को सुनकर आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इन महिलाओं के बालों की लंबाई कितनी होती है। तो इन महिलाओं के बालों की लंबाई लगभग 2.3 मीटर तक होती है। इतना ही नहीं, इन गांव में महिलाओं के बालों की खूबसूरती के लिए एक खास त्योहार भी मनाया जाता है। इस खास दिन महिलाएं जिज दियांग नदी पर आकर अपने बाल धोती हैं और फिर उन्हें संवारती हैं। लंबे बालों के पीछे मान्यता। इस गांव में महिलाओं के लंबे बालों के पीछे एक कारण भी है। इस गांव के लोगों का मानना है कि महिलाओं के बाल जितने लंबे होंगे उस महिला के घर में उतनी बरकत होगी। इस गांव में लंबे बालों वाली महिलाओं को लकी माना जाता है। गांव के लोगों का मानना है कि लंबे बाल, लंबी आयु, परिवार में संपन्नता और अच्छे भाग्य का प्रतीक है। इस सबसे अलग गांव में एक और मान्यता थी। पहले यहाँ महिलाओं के बाल केवल उस महिला के बच्चे और उसका पति ही देख सकते थे, लेकिन अगर किसी दूसरे पुरुष ने महिला के बाल देख लिए तो फिर उस पुरुष को उस महिला के साथ पति की तरह 3 साल रहना होता था। लेकिन बदलते दौर के बाद समाज का ये नियम भी बदल गया और साल 1987 में इस प्रथा को खत्म कर दिया गया। अब ये महिलाएं अपने बालों को खुली हवा में लहरा सकती हैं। आपका हमारी इस रिपोर्ट पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।